गुजरात हाई कोर्ट के भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के बर्खास्त अधिकारी संजीव भट्ट की एक पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया गया है। इसमें मादक पदार्थ पर नियंत्रण संबंधी एनडीपीएस कानून के तहत 1996 के एक मामले में उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों में संशोधन का अनुरोध किया गया था। भट्ट की याचिका खारिज करने के साथ ही जस्टिस इलेश वोरा ने निचली अदालत को तेजी से मुकदमे की कार्यवाही शुरू करने के भी निर्देश देते हुए कहा, प्रक्रिया अब तक शुरू नहीं हुई है क्योंकि पूर्व अधिकारी निचली अदालतों के साथ साथ हाई कोर्ट में भी अर्जियां दाखिल करते रहे हैं। 2018 में इस मामले में अपराध जांच विभाग सीआईडी द्वारा गिरफ्तारी के बाद से ही सलाखों के पीछे हैं। न्यायिक हिरासत के दौरान भट्ट को 1990 में हिरासत में यातना के मामलों में दोषी ठहराया गया था, जबकि 1996 के मादक पदार्थ बरामदगी मामले में पहले ही बनासकांठा की निचली अदालत द्वारा आरोप तय किए जा चुके हैं। गुजरात काडर के आईपीएस अधिकारी भट्ट को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अगस्त 2015 में सेवा से अनधिकृत उपस्थिति के आरोप में बर्खास्त कर दिया था। भट्ट 1996 में बनासकांठा के पुलिस अधीक्षक यानी एसपी थे। इस मामले में अभियोजन पक्ष का आरोप है कि जब भट्ट जिला पुलिस अधीक्षक बनासकांठा के रूप में पालनपुर में पदस्थापित थे, तब उन्होंने राजस्थान के पाली निवासी सुमेर सिंह राजपुरोहित को एनडीपीएस कानून के प्रावधान के तहत अफीम रखने के झूठे मामले में फंसाने की साजिश रची थी। भट्ट के नेतृत्व में बनासकांठा पुलिस ने दावा किया था कि पालनपुर शहर में राजपुरोहित के एक होटल के कमरे में 1.5 किलो अफीम मिली थी। हालांकि राजस्थान पुलिस की जांच में पता चला था कि राजपुरोहित को झूठा फंसाया गया था।